हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। अनगिनत विशेषताओं से भरा ये प्यारा प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की दंत कथा है। ब्रह्मा जी ने जब इस प्यारी सी सृष्टि का निर्माण किया था, तो देवताओं ने भी उनसे आग्रह किया था कि उन्हें भी कहीं रहने का स्थान इस भूमि पर दिया जाए। तो कहते हैं यही वो भूमि है जहाँ देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये है यहाँ की पौराणिक बातें। ऐसी कई अन्य बातें हैं जो यहाँ की विशेषताएं हैं। आज के उत्तराखंड को लोग श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों से और श्री प्रीतम बर्तवान जी के जागरों और पवाड़ों से जानते हैं, जो कि यहाँ की संस्कृति को अपने आप में बयां करते हैं। यहाँ की अन्य भी कई विशेषताएं हैं। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की औषधि, यहाँ के पेड़ों के गुण, यहाँ के रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें, जो कई प्रकार के पेड़ों से लोग इसका उपयोग करते हैं और बरसों से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम आपको अपने इस चैनल में, हमारी एक छोटी सी कोशिश यही होगी कि हम जितना हमको ज्ञान है, जितनी हमें बातें पता है, हम आपके साथ शेयर करें कि किन पेड़ों से क्या यूज़ होता है और कैसे उसका उपयोग लोग पहले ज़माने में करते थे और आज भी करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे चारों तरफ चीड़ के भरे हुए पेड़, चीड़ के जंगल और साधारण से दिखने वाले पेड़ अनेक विशेषताओं से भरे पड़े हुए हैं। इनकी हवाओं में औषधीय गुण है, इनके फलों में, बीजों में औषधीय गुण है और अन्य कई विशेषताएं हैं इन पेड़ों की। तो हम कवर करेंगे आज चीड़ के पेड़ के बारे में।